अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी थायराइड ग्लैंड के डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं, उनके राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाई थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन जो है प्रोड्यूस किया जाता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ट्राईआयडोथायरोनिन T3, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH या फिर ग्रोथ हार्मोन। तो हमारे पास जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH और ग्रोथ हार्मोन, ये तीनों हमारे पास जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है हमारे पास जो है जी ये रिलीज होते हैं, जबकि ट्राईआयडोथायरोनिन जो है T3 ये हमारे पास जो है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड से हमारे पास T3, T4 यानी थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन जो है ये हमारे पास जो है ये तीन हार्मोन्स जो हैं रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4। T3 और T4 की प्रोडक्शन के लिए कौन सा एलिमेंट ज़रूरी है? कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम आयोडीन। तो कैल्शियम हमारे पास जो है कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन के लिए जो है ज़रूरी है ब्लड में, और आयोडीन जो है ये हमारे पास T3 और T4 का पार्ट होता है, तो ये हमारे पास जो है एसेंशियल होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ T3 एंड T4। कौन सा हमारे पास जो है हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ T3 और T4 को? ये हमारे पास है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है या फिर सोमैटोस्टेटिन है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है, और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है सोमैटोस्टेटिन जो है ये हमारे पास इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को। उसके अलावा हमारे पास थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है TCH को रिलीज करवाता है, TCH आगे चलकर हमारे पास जो है T3 और T4 को रिलीज करवाता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। T3 और T4 हार्मोन का कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रमोट बेसल मेटाबॉलिक रेट ये भी है, इनहेंस ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म ये भी है, इनहिबिट कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इन फीटस एंड इनफैट। तो डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इन फीटस एंड इनफैट भी होती है, जबकि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करवाना ये हमारे पास जो है कैल्सिटोनिन का जो है वो हमारे पास जो है काम है। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास जो है राइट होगा, ये हमारे पास जो है फंक्शन नहीं है T3 और T4 हार्मोन का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, ग्रेव्स डिजीज़ इज एसोसिएटेड विद। ग्रेव्स डिजीज़ किसके साथ एसोसिएट है? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन या फिर मिक्सीडीमा। तो मिक्सीडीमा जो है ये हमारे पास जो है हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ एसोसिएट है, और हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये हमारे पास जो है यानी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ T3 और T4, तो ये हमारे पास जो है ग्रेव डिजीज़ काज करवाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, ग्रेव्स डिजीज़ अ क्लासिक सिम्टम ऑफ ग्रेव्स डिजीज़ इज़ लो मेटाबॉलिक रेट, पफिनेस अराउंड द आई, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल्स या फिर थिक एंड ड्राई स्किन। तो हमारे पास ग्रेव डिजीज़ की क्लासिक सिम्टम कौन सी है? यहाँ पर हमारे पास जो है हाई मेटाबॉलिक रेट होता है इसमें, और पफिनेस अराउंड द आई और थिक ड्राई स्किन नहीं होती, बल्कि ये दोनों ही हमारे पास जो है जी मिक्सीडीमा की जो है हमारे पास जो है वो सिम्टम्स हैं, जबकि प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल जिसको हम जो है एक्सोथैल्मस भी कहते हैं वो हमारे पास जो है ग्रेव डिजीज़ की क्लासिक सिम्टम है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, मिक्सीडीमा इज़ करेक्टराइज बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मिक्सीडीमा किस चीज़ से करेक्टराइज किया जाता है एक्सेप्ट? हमारे पास मिक्सीडीमा में जो है ये मेनली हमारे पास जो है सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म काज करवाती है मिक्सीडीमा। तो मिक्सीडीमा में हमारे पास लो मेटाबॉलिक रेट होगा, फीलिंग चिल्ड होगी, पफिनेस अराउंड द आई होगी, और हाई मेटाबॉलिक रेट नहीं होगा। हाई मेटाबॉलिक रेट हमारे पास जो है ग्रेव्स डिजीज़ में होगा, जो हमारे पास जो है जी उल्ट है मिक्सीडीमा का। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8, व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ मिक्सीडीमा ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। मिक्सीडीमा का हमारे पास जो है प्राइमरी काज क्या है?
में हाइपोथायरायडिज्म की वजह से एक्सेस आयोडीन इन द डाइट, ये रॉन्ग है। एक्सेस आयोडीन इन द डाइट होगी तो हाइपोथायरायडिज्म की बजाय हाइपरथायरायडिज्म हो सकती है, बिकॉज उसकी वजह से हमारे पास T3 और T4 की ओवर प्रोडक्शन होगी। ओवर प्रोडक्शन ऑफ TSH और ओवर प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4, तो ये हमारे पास जो है हाइपरथायरायडिज्म काज करवाती हैं, जिससे हमारे पास जो है ग्रेव डिजीज़ होगी, ना कि हमारे पास जो है मिक्सीडीमा। तो मिक्सीडीमा का एक ही काज है, वो है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होगी तो उसकी वजह से जो है हमारे पास T3 और T4 की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उससे मिक्सीडीमा काज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 9, क्रिटिनिज्म अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म इज करेक्टराइज बाई। ये हमारे पास जो है चाइल्ड जो हमारे पास चिल्ड्रंस में जो है हाइपोथायरायडिज्म होती है कंजेनिटली, उसको जो है क्रिटिनिज्म कहा जाता है। तो उसकी करैक्टराइजेशन क्या है, रैपिड हार्ट बीट होगी, तो ये हमारे पास जो है ग्रेव्स डिजीज़ में होगी। उसके अलावा प्रोट्रूजन ऑफ द आईबाल और हाई मेटाबॉलिक रेट, ये भी हमारे पास जो है ग्रेव डिजीज़ में ही होंगी। मेंटल रिटार्डेशन और पुअर फिजिकल ग्रोथ जो है, ये हमारे पास क्रिटिनिज्म का पार्ट है, बिकॉज थायराइड ग्लैंड के जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं वो हमारे पास जो है नॉर्मल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट जो है फीटस और इन्फेंट में जो है उसके लिए नेसेसरी होते हैं। तो जब नॉर्मली हमारे पास नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो उससे मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल बाई इंक्रीजिंग कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स। कौन सा हमारे पास जो है हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को बाई इंक्रीजिंग डिपोजिशन इन द बोन्स, T3 है, T4 है, कैल्सिटोनिन है, या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन है। तो जैसे ही ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा तो कैल्सिटोनिन इंक्रीज होगा, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है राइट होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है डिक्रीज्ड जो हमारे पास कैल्शियम होगा ब्लड में, डिक्रीज्ड कैल्शियम इन ब्लड, तो उस सूरत में हमारे पास जो है पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रिलीज होगा और ये हड्डियों से जो है वो बोन से जो है जो डिपॉजिट कैल्शियम होगा उसको निकालेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 11, कैल्सिटोनिन रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय। कैल्सिटोनिन रिलीज जो होता है हमारे पास वो किस चीज़ से स्टिमुलेट होता है, लो ब्लड कैल्शियम लेवल, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, लो ब्लड पोटाशियम लेवल, हाई ब्लड पोटाशियम लेवल। तो पोटाशियम का कैल्सिटोनिन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लो ब्लड कैल्शियम लेवल होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है रिलीज होगा, और अगर हमारे पास जो है हाई ब्लड कैल्शियम लेवल होगा तो उस सिलसिले में हमारे पास जो है कैल्सिटोनिन जो है वो हमारे पास जो है रिलीज होगा। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 12, द थायराइड ग्लैंड लोब्स आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ लेरिंग्स, ट्रैकिया, इसोफेगस, हाइपोथैलेमस। तो थायराइड ग्लैंड की जो लोब्स होती हैं वो किस हमारे पास ऑर्गन के जो है ये दोनों साइड्स पर लोकेट करती हैं, तो वो हमारे पास जो है ट्रैकिया है। ट्रैकिया के दोनों साइड्स पे थायराइड ग्लैंड की जो है हमारे पास लोब जो है वो होती। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 13, विच कंडीशन इज करैक्टराइज बाई हाई ब्लड कैल्शियम लेवल्स एंड पोटेंशियल किडनी स्टोन्स ड्यू टू डेफिशियंट कैल्सिटोनिन। तो इसमें ऑप्शन हैं क्रिटिनिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरकैल्सीमिया। यानी कैल्सिटोनिन की डेफिशिएंट रिलीज होगी तो उसके सिलसिले में हमारे पास हाई ब्लड कैल्शियम लेवल होगा और पोटेंशियल किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस हैं। तो उस सिलसिले में क्या कंडीशन होगी, तो वो हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया होगा। हाइपर का मतलब जो है वो इंक्रीज्ड और कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम, तो इंक्रीज्ड कैल्शियम होगा तो उस सिलसिले में हमारे पास जो है हमारे पास हाई ब्लड कैल्शियम लेवल होगा और पोटेंशियल किडनी स्टोन्स बनने का भी चांस होगा, और ये होता है डेफिशिएंट कैल्सिटोनिन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 14, विच सिम्टम इज़ नॉट एसोसिएटेड विद मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा जो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है उसके साथ कौन सी सिम्टम एसोसिएट नहीं होती, एनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड, रैपिड एंड इररेगुलर हार्ट बीट, हेयर लॉस फ्रॉम द स्कैल्प एंड आईब्रो, थिक एंड ड्राई स्किन। तो हमारे पास जो है कौन सी सिम्टम जो है एसोसिएट नहीं करती मिक्सीडीमा के साथ, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड भी होता है, हेयर लॉस फ्रॉम द स्कैल्प एंड आईब्रोज भी होता है, थिक एंड ड्राई स्किन भी होता है, जबकि रैपिड और इररेगुलर हार्ट बीट जो है ये हमारे पास जो है ग्रेव्स डिजीज़ का जो है हमारे पास जो है एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम है। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs जो है वो कंप्लीट होते हैं थायराइड ग्लैंड के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।